नमस्कार, आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैक्सिम वैचियर लैग्रेव यानी जिनको एमबीएल के नाम से पहचानते हैं हम सभी लोग, और किरिल एलेक्सेंको। एलेक्सेंको जो है वो रशियन फेडरेशन ने उनको वाइल्ड कार्ड दिया था, जो कैंडिडेट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलने के लिए, क्वालिफाई करने को जो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है उसमें खेलने के लिए। 7 प्लेयर ऑलरेडी अलग अलग फॉर्मेट से सिलेक्ट हो चुके थे। 8वां जो स्पॉट था जो कि होस्ट के पास होता है एक एक्स्ट्रा सीट देने का, वो एलेक्सेंको को मिल चुका है। लेकिन इसके बीच थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि एमवीएल जो कि अनफॉर्चुनेटली सभी फॉर्मेट से भी होने के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए, पर वो सच में तो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, तो उन्होंने एक अपील किया था। आप देख सकते हैं उनके मैनेजर ने एक्चुअली एक अपील किया था कि जो टूर्नामेंट है उसमें जो 8 स्पॉट है जो कि होस्ट के पास होता है नॉर्मली, उस स्पॉट के लिए एलेक्सेंको जो कि रशियन फेडरेशन ने नॉमिनेट किया है वो और एमवीएल इनके बीच एक मैच करवाया जाए ताकि उसके बीच जो भी जीतेगा उसको वो स्पॉट मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता वो इसके लिए राजी हैं, क्योंकि मैंने आज जो न्यूज़ देखी थी या फिर मैंने सागर का इंटरव्यू भी देखा था कि डोरकोविट ने क्लियर कर दिया था कि वो स्पॉट एलेक्सेंको को ही मिलेगा। तो लेकिन इसके पहले जो उनके गेम हुए थे मैंने देखा था कि मेरे जो डाटाबेस में 3 गेम्स थे जिसमें 2 एमवीएल जीता है और 1 ड्रॉ हुआ था जब एलेक्सेंको वाइट थे। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ उसमें e4 e5 नाइट टू f3 नाइट c6 बिशप टू b5 a6 बिशप a4 नाइट f6 शॉर्ट कैसल बिशप e7 d3। ये जो सिस्टम है बीच में ये बहुत पॉपुलर था। एक्चुअली जो मेन लाइन है वो रुक e1 b5 बिशप टू b3 कैसल्स c3, और इसके बाद अगर आप देखें तो आफ्टर d6 h3 के बाद एक्चुअली ब्लैक के पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि na5 चिगोरिन वेरिएशन बोलते हैं उसको, फिर आप बिशप b7 खेल सकते हो जिसको z7 सिस्टम बोलते हैं, नाइट b8 ब्रेयर, ये बहुत सारे पॉपुलर चॉइसेस हैं रॉय लोपेस के लिए। तो लेकिन गेम में जो हुआ वो d3 खेला वाइट ने, b5 खेला यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे हम b5 की जगह d6 भी जा सकते हैं, और इसमें भी c3 शॉर्ट कैसल रुक टू e1 रुक e8 नाइट bd2 बिशप टू f8 नाइट f1, और स्पैनिश में जो ये नाइट का जो मैन्यूरिंग होता है ये बहुत पॉपुलर होता है, नाइट d2 नाइट f1 नाइट g3, और बाद में आप f5 के लिए ट्राई कर सकते हो। तो b5 बिशप c2 h6 नाइट g3, और ये एक सिस्टम भी पॉपुलर है इसमें। लेकिन ब्लैक ने 6th मूव पे b5 खेला जहाँ पे b3 d6, और यहाँ पर वाइट ने a3 खेला, ये भी एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है एक्चुअली। लेकिन अल्टरनेटिव है यहाँ पे जहाँ पे आप a4 के लिए जा सकते हो जिसमें b4 नाइट bd2 नाइट a5 बिशप a2। यहाँ पर बहुत बार जब ये नाइट d2 पे नहीं होता है तो ब्लैक b3 सेक्रीफाइस दे सकता है, एंटी मार्शल में नॉर्मली बहुत बार ऐसा खेलते हैं जिसमें आप b3 पॉन सेक्रीफाइस देके अगर सी कट b3 मारा तो c5 खेल के बाद में बिशप e6 और रुक b8 करके इस पॉन को अटैक कर सकते हो, और ये बिशप भी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम में आ सकता है। तो डेफिनेटली वो एक पॉसिबिलिटी थी, बट नाइट d2 के कारण वो अभी हो नहीं रहा है। c5 खेला यहाँ पे और c3, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट 8th मूव पे एमवीएल ने a3 खेला, शॉर्ट कैसल नाइट टू c3। यहाँ पर एक्चुअली रुक e1 भी जा सकते हैं, लेकिन नाइट c3 एक कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे नाइट a5 खेला ब्लैक ने, बिशप a2 बिशप e6 बिशप इनटू e6 मार के आप उसका स्ट्रक्चर खराब कर सकते हो, लेकिन उसमें बाद में हो सकता है कि f5 ब्लैक यूज करे। तो वाइट ने b4 खेला, बिशप a2 रुक इनटू a2 नाइट c6 bg5। यहाँ पर इसके पहले एमबीएल का एक गेम हुआ था 2017 में शारजा में जो कि मेमेडियारो के साथ हुआ था, वहाँ पर मेमेडियारो ने नाइट d7 खेला था। मैं जब गेम चेक कर रहा था तो मैंने देखा था कि दीपन चक्रवर्ती का भी एक गेम हुआ है इसमें नाइट d7 में, मुझे लगता है बैकक्रट के साथ यहाँ और किसी के साथ हुआ था, वो एक्चुअली हारे थे वो गेम, लेकिन उन्होंने भी ये नाइट d7 खेला था। तो बिशप e3 खेला, नाइट f6 इस गेम में एक्चुअली होता मेमेडियारो और एमवीएल का गेम देख रहे हैं। क्वीन b1 d5 और e कट d5 के बाद ये गेम 49th मूव पे जाके ड्रॉ हुआ था। सो हम लोग क्विकली जो एलेक्सेंको वाला गेम है उस पर ट्रांसफर होते हैं। bg5 खेला जब वाइट ने, नाइट g4 आया ब्लैक, नाइट g4 को डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक्सचेंज के लिए अलाउ कर रहा है। सो bd2 खेला यहाँ पे, एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने,
और आफ्टर नाइट ऑफ सिक्स एक हिसाब से देखा जाए तो रिपीटेशन के लिए जा सकता है वाइट, लेकिन डेफिनेटली एमवीएल विन के लिए खेला क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी प्लेयर है रेटिंग वाइज भी देखा जाए तो, और वाइट भी उनके तो रुक इवन खेला उन्होंने। क्वीन डी सेवन, नाइट डी फाइव, नाइट इन टू डी फाइव, ई डी फाइव, नाइट ए सेवन। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक्चुअली ये एक प्लेस अच्छी नहीं लग रही है ब्लैक के, उसको वापस से रीग्रुप करना इतना आसान नहीं होगा। तो ए फोर खेला, मैंने देखा था कि कुछ गेम सी फोर पे भी हुए, ये बहुत बार खेलते हैं इसमें सी फोर। मुझे याद है जब हम एम सी एल खेल रहे थे तो शशि किरण ने भी इस लाइन पे बहुत सारा हमको डिटेल में बताया था। तो डेफिनेटली जो हायर प्लेयर होते हैं उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत उन्होंने वर्कआउट किया होता है, उनको पता होता है कि इन वेरिएशंस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए हुए हैं या फिर उन पे वो वर्कआउट करते रहते हैं। तो गेम में ए फोर खेला उन्होंने, यहाँ पे सी सिक्स आया, यहाँ पे डी कट सी सिक्स, नाइट इन टू सी सिक्स सी फोर। फाइनली इस मूव पे आप देख सकते हैं कि डी फाइव खेलने के बाद ए कट बी फाइव मारा यहाँ पे वाइट ने, और ये पोजीशन एक्चुअली आफ्टर ए कट बी फाइव आप देख सकते हैं कि ए कट बी फाइव के बाद इस पोजीशन में डेफिनेटली आप ए कट बी फाइव तो आपको मारना ही पड़ेगा, ये फोर्स लग रहा है, रुक कट एट और सी बी फाइव। अब यहाँ पे जो पॉन फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ब्लैक ने ये सोच के दिया होगा कि उसमें जो पॉन डबल हो चुके हैं बी फाइव और बी फोर पे, इनको हम बाद में नाइट ए सेवन या नाइट बी फाइव करके मार सकते हैं। और ब्लैक का जो पॉन स्ट्रक्चर है, मतलब पांच पॉन एक साथ हैं और स्पेशली सेंट्रल दो पॉन है, तो उनका एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन इस गेम में अगर आप देखें तो बी फोर और बी फाइव में से दोनों पॉन को मारना इतना आसान नहीं होगा ब्लैक के लिए। तो नाइट बी फोर मारा उन्होंने, जिससे नाइट इन टू ई फाइव मर गया, और अभी आप देख सकते हैं कि वाइट के पास टेम्परली सही बट ये पोजीशन लग एक्टिव रही है किंग साइड में स्पेशली, क्योंकि आपका आपके क्वीन को एंट्री के लिए चांस है। डेफिनेटली नेक्स्ट मूव क्वीन इन टू बी फाइव आ सकता है ब्लैक। क्वीन इन टू बी फाइव खेला यहाँ पे क्वीन जी फोर, और आफ्टर रुक ए सेवन अभी आप देख सकते हैं कि बैक रैंक के इश्यूज लग रहे हैं, थोड़े हाफ चांसेस हैं, और साथ ही साथ बिशप एच सिक्स एक बहुत डेंजरस इशू लग रहा है ब्लैक के लिए, और क्वीन सी एट भी आपके पास, नाइट बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है एफ सेवन पे टारगेट करने के लिए, रुक ओपन फाइल में है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको कभी ना कभी एच फोर खेल देना चाहिए ताकि बैक रैंक के प्रॉब्लम्स वाइट के नहीं रहे। तो ये एक बहुत अच्छा पोजिशन लग रहा था एक्चुअली, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर रुक ए सेवन एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे रुक ए सेवन के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप देख सकते हैं H4 बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ कंडीशन में आप H5 H6 जाके इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, और डेफिनेटली H5 के बाद जब हम बिशप H6 खेलेंगे तो बिशप F8 को हम मार भी सकते हैं बिशप इंटू जी सेवन, बिशप कट जी सेवन, और एच फाइव जो है वो एच सिक्स आके इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो एच फोर एक बहुत ही यूजफुल मूव है, और साथ ही साथ बैक रैंक भी बच रहा है इसमें, तो एक बहुत अच्छा पोजिशन है। और आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पीसेस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं, क्योंकि क्वीन साइड के ये जो तीन पीस हैं वो एक्चुअली किंग साइड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं डिफेंड करने में। तो सडनली जैसे ही क्वीन एंटर हुआ जी फोर पे और एन ई फाइव के बाद, तो वाइट का पोजिशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और डेफिनेटली ये कन्वर्ट करने लायक पोजीशन है। तो नाइट सी सिक्स खेला यहाँ पे ब्लैक ने, ये मुझे लगता है एक मेजर मिस्टेक था इस गेम का। नाइट सी सिक्स के जगह अगर देखा जाए तो बिशप एफ एट एक आ सकता था, जिसमें डेफिनेटली रुक बी वन में भी आ सकता है क्योंकि बी फोर को प्रॉब्लम्स हैं, और आप देख सकते हैं कि वन टू थ्री तीन पीसेस को अटैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी एडवांटेज था ही वाइट के पास। लेकिन 26 मूव पे ब्लैक ने नाइट सी सिक्स खेला, और एक मेजर मिस्टेक था जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि वाइट जो है वो अभी शायद उसके पास क्लियरली विनिंग पोजीशन है, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। बिशप एच सिक्स खेला यहाँ पे वाइट ने, क्योंकि आप देख सकते हैं जी सेवन पे प्रॉब्लम है, बिशप एफ एट इज फोर्स्ड नाउ, बिशप एफ एट खेला, और जो डिफेंडर है अगर उस पर हम अटैक कर पाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पोजीशन होगा। सो नाइट डी सेवन खेला यहाँ पे, और नेक्स्ट मूव आप देख सकते हैं नाइट इन टू एफ एट और
क्वीन इनटू जी सेवन आ रहा है जो बहुत मुश्किल है. आप जी सिक्स भी नहीं खेल सकते हो क्योंकि उस पर डबल अटैक रहेंगे और मर रहे हो. तो ब्लैक ने एक लास्ट ट्राई किया और एफ फाइव खेला यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली इसमें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि नाइट एफ सिक्स वगैरह भी एक बहुत ही टेम्पटिंग मूव लग रही है, लेकिन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और सिंपली एम वी एल ने क्वीन इनटू एफ फाइव मारा 29th मूव पे, और यहाँ पर आकर एलेक्सेंको ने रिजाइन कर दिया. देखा जाए तो एलेक्सेंको का जो ग्रोथ था एक साल के अंदर, क्योंकि ये जनवरी 2019 में गेम होता और तब वो सिर्फ 2637 थे. मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो टॉप एट में आना है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे 27 वाले प्लेयर हैं, इवन 2750 वाले प्लेयर्स हैं जो नहीं कर पाए क्वालिफाई, और यहाँ से लेकर वो 27 क्रॉस कर गए हैं एक साल के अंदर ही. तो एक देखा जाए तो एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टॉप एट या टॉप टेन की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे प्लेयर्स थे, खासकर एम वी एल मेमेडियारो कारियाकिन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर नाकामुरा, इवन इंडिया से हमारे विशी आनंद है, तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जो क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाया. और एट स्पॉट जो है बहुत लिमिटेड प्लेस है एक्चुअली देखा जाए, जिस हिसाब से चेस वर्ल्ड में इतना टैलेंट है. तो हम कोशिश करेंगे इसको कि इनके जो गेम्स हैं, मेरा एक्चुअली यही था कि उन दोनों के बीच वैसे तो गेम मैच नहीं हो रही है, वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया रशियन चेस फेडरेशन ने, लेकिन उनका जो पुराना गेम हुआ है वो हमने देखा. और फ्यूचर में मुझे लगता है कि एलेक्सेंको को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि एमबीएल के साथ वो कभी मैच खेले, बट इस वक्त डेफिनेटली नहीं. बहुत जल्द वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स शुरू हो रहा है, आज ही इनॉग्रेशन था उसका, तो उनके भी जो गेम्स होंगे उसके बीच डेफिनेटली हम वो देखेंगे. और आपको अगर कोई लगता है गेम की मैं वो गेम देखूं एनालाइज करूं तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि टॉप मोस्ट प्लेयर्स के ही, और भी कोई प्लेयर के अच्छे गेम होते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे. तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू.